बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर क्लास टेंथ के साथ सब्जेक्ट इंग्लिश, और आज के हमारे इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 या चाइनीज न्यू ईयर के इनर क्वेश्चन करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट इनर क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, कि जो अहले चीन का नया साल है हर साल उसी दिन क्यों नहीं आता, यानी सेम ही दिन क्यों नहीं आता। जिस तरह अभी एक यकम फैब है, उस दिन अगर फॉर एग्जांपल हो तो हर दफ़ा यकम फैब ही को क्यों नहीं होता, या बल्कि उनका क्या होता है, जनवरी से लेकर यकम जैन से लेकर फैब तक, मतलब मैक्सिमम 2 मंथ जो है वो उनका रहता है। तो इनका इनके सेंटर में कोई भी दिन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, इन चाइना चीन के अंदर ल्यूनर कैलेंडर इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन हॉलीडेज, के छुट्टियों का तय्यन करने के लिए ना कमरी साल या कमरी यानी जो चांद का कैलेंडर है वो इस्तेमाल होता है। ल्यूनर ईयर इज़ शॉर्टर देन द सोलर ईयर, और इस तरह जो कमरी साल है वो शमसी साल से छोटा होता है। सो द न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे, इस तरह जो चीनियों का नया साल होता है वो सेम डे में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज चाइनीज बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेस बिफोर न्यू ईयर डे, कि जो अहले चीन है ना वो मतलब नए साल से कबल घरों को साफ करने के बारे में उनका क्या अकीदा है। तो इस तरह उनका ये है कि जो प्रीवियस ईयर की बैड लक होती है उसको वाइप आउट कर देना चाहिए। दे बिलीव दैट, वो ये यकीन रखते हैं दैट क्लीनिंग द हाउसेस, कि घरों को जो साफ करके विल क्लियर आउट बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कि गुज़स्ता साल की जो बदकिस्मती होती है उनको हमने निकाल देना चाहिए या वो निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, वाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेज, के ये जो खाना होता है 8 या 9 डिशों पर क्यों मुश्तमिल होता है, यानी 8 या 9 टाइप के खाने क्यों बनाए जाते हैं। इसका आंसर होगा, इन चाइनीज लैंग्वेज यानी चीनियों की अहले चीन की जो जबान है, द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, के जो लफ्ज़ 8 है ना, जो वर्ड 8 है उसका मतलब क्या है, खुशहाली। एंड 9 मीन्स, और 9 का जो मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, यानी उम्र, दराजी उम्र या पायदारी या देवता। सो दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेज, इसलिए वो कहते हैं 8 से 9 डिशेज पर मुश्तमिल ये खाना जो है वो बनाया जाता है, ताकि उनका यह अकीदा है कि 8 बनाएंगे तो इससे खुशहाली आएगी, और जो 9 या 9 बनाएंगे तो एक तो यानी 8 या 9 लाजमी होते हैं, तो इससे वो खुशहाली देर पा भी रहेगी, और जो है इसके अलावा उम्र में बरकत भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चाइनीज बिलीव अबाउट पीपल हैविंग करेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियन, यानी वो कहते हैं कि क्या चीनियों का ये अकीदा कि लोगों में जानवरों के किरदार की खूबी होती है, हकीकत है या राय है। क्योंकि मैं हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 12 किस्म के जानवर होते हैं, यानी हर महीना जो है ना वो लिंकेज रखता होता है जो है एक टाइप के एनिमल से, तो उस ईयर में जो भी इंसान पैदा होता है वो उस एनिमल की करेक्ट ट्रेट्स का हामिल शख्स होता है। तो मेरे ख्याल में ये हकीकत तो नहीं है, ये हाँ ओपिनियन हो सकती है। आई थिंक इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट इज़ एन ओपिनियन, कि ये हकीकत नहीं है बल्कि ये क्या है, ये सिर्फ एक राय है। तो काम तो आज का बहुत कम है, इसी के साथ हम जो है 10 पेयर वर्ड भी कर लेते हैं। काफ़ी आई थिंक हमारे 10 पेयर वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम 11 से स्टार्ट करते हैं। एक होता है कूल, एक होता है कोल्ड। कूल जो होता है वो होता है खुशगवार ठंडा, यानी जिसको जैसे मौसम जो काबिल बर्दाश्त मौसम होता है, यानी आफ्टर रेन, वो उसको हम कोल्ड कहेंगे। और एक होता है कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा, जो ठंड सर्दी में होता है, यानी जो हमारे हालात जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। कूल ब्रीज इज़ फ्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, और जो है सर्द, वाटर वाज वेरी कोल्ड, यानी पानी जो है बहुत सर्द था। आगे क्लॉथ, एक होता है जो जिसके एंड में ई ना है, वो होता है अनसिला कपड़ा, यानी सिर्फ पीस कपड़े का। क्लॉथ इज यानी सिला हुआ लिबास, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं जिसके एंड में ई आ जाए वो सिला हुआ, जिसके एंड में ई ना हो वो अनसिला कपड़ा। तो क्लॉथ अनसिला कपड़ा, ही बॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी उसने कपड़ा खरीदा। दूसरा क्लॉथ सिला हुआ लिबास, आई वेयर लूज क्लॉथ, यानी मैं ढीले कपड़े पहनता हूँ। सेल,
जो सी से सेल है ये देख साउंड सेम है, ये भी सेल है ऊपर वाला भी, जस्ट स्पेलिंग चेंज है। ये सेल क्या है, कोठरी। ही वॉज कैप्ट इन अ नैरो सेल, यानी उसे तंग कोठरी में रखा गया। दूसरा सेल क्या है, बेचना। ही सेल्स बुक्स, यानी वो किताबें फरोख्त करता है। कंपेयर, मुशाबत करना। डू नॉट कंपेयर द कॉपी विद द ओरिजिनल, यानी नकल का असल से मवाजना या मुशाबत ना करो। कंट्रास्ट क्या होता है, इख्तलाफ के लिहाज से मवाजना करना। हिज एक्शन कंट्रास्ट हिज क्लेम, यानी उसके जो अमाल है उसके दावों से मुतजाद हैं। डिवाइस, ये भी डिवाइस, इसमें सी है इसमें ऐसा, यहाँ पे थोड़ा जे की साउंड आ जाएगा। डिवाइस, तरकीब। दिस इज अ गुड डिवाइस फॉर रीडिंग, यानी पढ़ने की ये एक अच्छी तरकीब है। डिवाइस यानी वजह करना। दिस इज अ गुड डिवाइस, सॉरी, वी डिवाइस द प्लान टू चेक क्राइम्स, यानी हमने जुर्म रोकने का मनसूबा वजह किया। डिनाइड होता है किसी हकीकत को मानने से इनकार कर देना, और रिफ्यूज होता है किसी काम से इनकार कर देना, यानी कोई भी काम अगर आपको कुछ कहे तो आप उसको मना कर दें। और जो डिनाइड है वो किसी भी रियलिटी को मानने से इनकार करना, यानी हकीकत को झुठलाना। दूसरे मैंने इसके झुठलाने के हैं। ही डिनाइड द वर्सेस ऑफ होली कुरान, यानी उसने कुरान पाक की आयात की तर्दीद कर दिया, उसको झुठलाया। नाउज़बिल्ला। रिफ्यूज होते काम से इनकार करना। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, यानी उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। आगे है डायरी और डायरी, यहाँ पे ए पहले है डायरी और यहाँ पे आई पहले, आई का साउंड डायरी, ठीक है। डायरी में क्या है, रन्स अ डायरी फार्म, यानी वो डायरी फार्म चलाता है, यानी जहाँ पे एनिमल्स होते हैं ना दूध देने वाले मैमल्स, यानी गाय भैंस वगैरह। दूसरा डायरी है ब्यास, इसको उर्दू में ब्यास बोलते हैं, ऐसे जो लिखा जाता है ये। आई बॉट अ न्यू डायरी, मैंने नई डायरी खरीदी या नई ब्यास खरीदी। ड्यू और ये भी ड्यू, ये डब्ल्यू वाला जो है शबनम है और ई वाला हक, वजह या जायज। इसका ड्यू, ड्यू ड्रॉप्स फॉल एट नाइट, यानी रात को शबनम पड़ती है। दूसरा जो ड्यू है हक या जायज, गिव मी माई ड्यू राइट्स, यानी मुझे मेरे जायज हक दो, जायज हकूक दो। वी गेव हिम ड्यू रिस्पेक्ट, यानी मुझे हमने जो है उसे मुनासिब इज्जत दी। आगे है डाई और ये भी डाई, ये वाई से है, ये होता है रंगना, और जो आई ई ये होता है मरना। ही डेड ऑफ कोलेरा, यानी वो हैजे से मरा। दूसरा डाई रंगना, ही डाइड हिज हेयर ब्लैक, उसने बालों को स्याह रंग कर लिया। डोज होता है खुराक, आई टुक अ डोज ऑफ मेडिसन, मैंने दवाई की खुराक ली। और इधर जो है डोज, ये जी से है और ये एस से है, ये होता है ऊंघना, जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं होता ना, वो क्लास में ऊँघते हैं, डोजिंग ही बोलते हैं। ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, यानी वो क्लास में ऊँघ रहा था। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपने 10 पेयर वर्ड्स ये भी राइट करने हैं, और जो इनर क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो भी राइट करने हैं आज की डेट डाल के, और इनको याद भी करना है। उर्दू मीनिंग इनके कंपल्सरी याद होने चाहिए। होमवर्क नीट एंड क्लीन करना है, और आज का काम आज ही करना है, कल पे पेंडिंग नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा ने के बाद।